हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 फ़ोन में आप लोग नोटिफिकेशन को कैसे ऑफ़ कर सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन को ऑफ़ करना है, आपके फ़ोन में जो है बहुत सारे एप्लीकेशंस आप लोगों ने डाउनलोड करके रखे हैं और उन सभी एप्लीकेशन का यहाँ पर बार बार आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ रहा है, तो आपको जो है किसी किसी एप्लीकेशंस का जो नोटिफिकेशन है उसको आप लोगों को बंद करके रखना है। तो कैसे आप लोग एप्लीकेशन का जो नोटिफिकेशन होता है उसको बंद करोगे गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन को ऑफ़ करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस नोटिफिकेशंस का, देख सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशंस के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जो पहला वाला ऑप्शन है ऐप नोटिफिकेशंस का, तो इस ऐप नोटिफिकेशंस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है गाइस, अगर आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अगर मोस्ट रिसेंट में ये सेट है तो आपके फ़ोन में ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं आएंगे। आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे क्लिक करने से आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन होंगे सब यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन को ऑफ़ करने के लिए जिस भी नोटिफिकेशन को आप लोगों को ऑफ़ करना है, जो एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं चाहिए उस एप्लीकेशन को आप लोग यहाँ पर ढूंढ लीजिए। ढूंढने के बाद उसके साइड में देख सकते एक बटन है, इसको सिंपली यहाँ पर से ऑफ़ कर दीजिए। बटन को ऑफ़ करते ही आपका जो उस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन है वो आपके फ़ोन में नहीं आएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 फ़ोन में नोटिफिकेशन को ऑफ़ कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।